तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं, चाहे आप रेलवे की एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप गेट की एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप SSB का फॉर्म भर रहे हो, UPSC का, तो कुछ चीज़ें ना हमेशा कॉमन रहती हैं। वो जो कॉमन चीज़ें हैं आज उन पर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। द फर्स्ट P इज़ अबाउट प्रोडक्टिविटी, कि कितना हम टाइम अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं और उससे हम कितना आउटपुट ले पा रहे हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम 10 से 12 मतलब है ना बिल्कुल गिन करके बैठे हैं, सुबह से इतना टाइम लगा रहे हैं, पर फिर भी अगर हम एंड में देखते हैं तो हम उतने टेस्ट सॉल्व नहीं कर पाते। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? तो ये चीज़ का प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी होता था ऐसा ही। ये प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम है, टाइम हम उतना लगा रहे हैं पर उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। तो उसके लिए तो एक चीज़ ये की मैंने कि जितने भी डिस्ट्रैक्शन हमारे एनवायरमेंट में होते हैं, जैसे कि हमारा फ़ोन सबसे बड़ा, उन चीज़ों को थोड़ा सा मैंने कम किया। उसके अलावा और भी जितनी चीज़ों में हम इन्वॉल्व रहते हैं इंटरनेट पर पढ़ाई के अलावा, उनको मैंने थोड़ा सा लिमिट करने की कोशिश की। और दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं अपने आप को एक थोड़ा सा टाइम टेबल में बांधने की कोशिश की। हमारा हर दिन अलग होता है ना, कभी किसी दिन पढ़ने का मन करता है, कभी किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमको एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स मैं कहूँगी, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो किसी कोई भी एग्ज़ाम जो है वो 5 to 6 आवर्स आपको रोज मतलब मैं कहूँगी कंसिस्टेंटली आपको देने की ज़रूरत है ना। और उसके लिए आप अपना एक कुछ छोटा सा रूटीन, भले ही सोने के पहले आधा घंटा अपना दिन जो है दूसरा वो आप प्लान कर लीजिए, क्योंकि हर दिन नया होता है। अगर एक दिन आप टाइम टेबल बना दिया यहाँ से यही करूँगा और एक वीक आप सोचो कि फॉलो हो जाए, तो मुझसे वो फॉलो नहीं हो पाता था। तो मैं ये करती थी कि सोने के पहले थोड़ा सा आधे घंटे में कल क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या चैप्टर्स कवर करने हैं, वो सब एक बार मैं लिख लिया करती थी। जो भी प्रिपरेशन मैंने की उस पर ही बता रही हूँ कि हम सीखते हैं, इसलिए आप खुद अपनी स्ट्रैटेजी, आप अपने आप को पहचान कर अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाएं। मुझसे एडवाइस लीजिए लेकिन आप वही कीजिए जो आपको लगता है कि आपके स्ट्रेंथ और आपके वीकनेस के हिसाब से काम आए। लेकिन फिर भी कहूँगी कि थोड़ा अपने आप को बांधो, थोड़ा डिसिप्लिन में रहो, थोड़ा सा मोटिवेट रखो, दृढ़ निश्चय रखो, और बड़ा सपना देख लिया है ना तो अपने आप को उसमें पूरा जोड़ो। सोचो कि अब लाइफ में और कुछ नहीं है, जब तक ये नहीं करूँगी ना, ये करूँगा नहीं ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला ना मेरा ना किसी और। तो उस तरीके का एटीट्यूड, एक फायर, एक वो पैशन अपने आप को जगाना पड़ेगा। दैट पैशन विल ड्राइव यू एंड दैट पैशन विल टेक यू प्लेसेस। तो चार लाइन ही है कि डर मुझे भी लगता था फासला देख कर पर मैं बढ़ता गया रास्ता देख कर। डर मुझे भी लगता था फासला देख कर पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देख, मेरी मंजिल मेरा हौसला देख। तो आप अपना हौसला बुलंद कीजिए, बड़ा सपना देखिए, बड़ा सपना देखने से डरिए मत, लेकिन जितना बड़ा आपने सपना देखा है उतनी ही बड़ी मेहनत करेंगे तो आप यहाँ आएंगे और फिर मुझे ज़रूर बुलाएंगे, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।